watching Expose India. कानपुर के जाजमऊ में बुधवार को 6 मंजिला निर्माणाधीन इमारत के ढहने से 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक इमारत के मलबे में अब भी 23 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घटनास्थल पर NDRF, सेना और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। आपको बता दें कि ये इमारत समाजवादी पार्टी नेता महताब आलम की है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे DM ने महताब के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। अभी भी 30 के करीब लोग अंदर ट्रैप हो सकते हैं वाइड स्पेसेस में। जैसा आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी ये हाईली इनसिक्योर बिल्डिंग है, तो वाइड स्पेसेस और ये पैनकेक, क्योंकि कॉलम सपोर्ट नहीं है तो इसके कारण इसमें काफी टाइम लगेगा। 4 बजे एक छोटी सी बच्ची थी यहाँ पर इस साइड में, जो ये आपके देवेंद्र कुमार जी हैं, इनके साथ में पूरी टीम ने निकाला था। तो ये बहुत एक ऐसी जगह, एक स्पेस था जहाँ पे इतनी छोटी बच्ची का जीवित रहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो पूर्णतः सुरक्षित और सेफ है और उसको कोई खरोच नहीं आई। Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India.